कैलिफोर्निया की रहने वाली शेरन बेरोजी उस समय सोशल साइट्स पर चर्चा का विषय बन गई थी जब उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर की। पिछले साल गर्मियों में उन्होंने अपने घर के बरामदे में एक जानवर को बीमार हालत में पड़ा पाया था। उन्हें लगा कि ये कोई बीमार कुत्ता है। चार घंटे बाद सामने आई सच्चाई। बरामदे के अंदर पड़े बीमार जानवर पर महिला को दया आ गई। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे घर के अंदर ले आई, लेकिन जानवर के पास चार घंटे बिताने के बाद महिला को एहसास हुआ कि ये कोई कुत्ता नहीं है, असल में ये जंगली भेड़िया था जो काफी बीमार था। जैसे ही महिला को इस बात का एहसास हुआ, उसने सिटी ऑफ फॉल्सम एनिमल सर्विसेज के ऑफिसर्स को कॉल किया। वो आकर भेड़िये को लेकर चले गए। जब इसे रेस्क्यू होम ले जाया गया, तब पता चला कि उसकी बॉडी में लिक्विड की काफी कमी थी। उसे खुजली की बीमारी भी थी। टीम ने उसे नहलाया और दवाइयां भी दी। टीम ने उसका नाम प्रिंसेस रखा। कुछ समय बाद प्रिंसेस की हालत सुधरने लगी और उसकी बॉडी पर फर वापस आ गए। एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद प्रिंसेस को जंगल में छोड़ दिया गया।